सिलसिला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2019 के शुरुआती रुझाव में बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त। 17वीं लोकसभा के गठन और देश की बागडोर संभालने के लिए जनता ने जो मत दिया है उसका फैसला आज ही होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गणना की जा रही है। इसमें मिले रुझानों के आधार पर भाजपा नीत NDA 41 तो UPA ने 10 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर नतीजे घोषित करने में 5-6 घंटे की देरी हो सकती है। दिल्ली की 70 में से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की VVPAT मशीन से EVM में बड़े वोटों का मिलान कराया जाएगा जिसमें अधिक समय लगेगा। यह जानकारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह ने दी है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा ने लोकसभा की 543 में से 282 सीट पर जीत हासिल की थी। ओडिशा कांग्रेस प्रत्याशी के सीने में गोली मार कर रेत दिया गला। लोकसभा चुनाव की मतगणना से कुछ ही घंटों पहले ओडिशा में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब अज्ञात बदमाशों ने अक्सा विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी को गोली मार दी। कांग्रेस प्रत्याशी को गंभीर हालत में बेरहामपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें भुवनेश्वर के अस्पताल में रेफर करा दिया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ओडिशा के अस्का विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज जेना और साथी अनिल कुमार पर 6 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली मनोज जेना के गदन और सीने पर लगी। बताया जा रहा है कि गोली मारने के बाद हमलावर ने उनकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया और वहां से भाग निकले। वहीं मनोज के साथी अनिल के हाथ में भी गोली मार दी गई। EVM टेम्परिंग पर कांग्रेस विधायक ने अपनी पार्टी के रुख पर उठाए सवाल। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक के सुधाकर ने EVM पर अपनी पार्टी के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है आखिर क्यों कांग्रेस EVM में गड़बड़ी की बात कर रही है जबकि उन्हें इस वक्त एग्जिट पोल के नतीजे पर सोचना चाहिए। के सुधाकर कर्नाटक में चिक्काबलपुरा से विधायक है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्यक्तिगत तौर पर कंफ्यूज्ड हूं आखिर क्यों इस वक्त EVM में हेराफेरी पर बात चल रही है। फिलहाल एग्जिट पोल पर बात होनी चाहिए। एग्जिट पोल वोटर के मूड की तरफ इशारा कर रहा है। सुधाकर आज इस मुद्दे पर मीडिया से बात कर सकते हैं। विधायक के सुधाकर की ये बात तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल लंबे समय से कर्नाटक में कांग्रेस और JDA के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही है। कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर हलचल तेजी से हो गई है कि आने वाले दिनों में यहां कांग्रेस और JDA की सरकार गिर सकती है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।